Hi kids, how are you all? I hope you all are fine. Kids, today's topic is vowel and consonant. First of all, we recognize alphabets and then we understand what is vowel and consonant. So, we read alphabets and then we understand what is vowel. तो बच्चों आज पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेट्स और फिर उसके बाद पढ़ेंगे वॉवल्स क्या होते हैं. तो देखिए, आपको मैंने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं. अल्फ़ाबेट्स हमारे ये होते हैं A to Z, जो कि होते हैं 26. और आज हम देखेंगे वॉवल्स क्या होते हैं. अल्फ़ाबेट्स हमारे होते हैं 26 लेटर्स और वॉवल्स क्या क्या होते हैं. A, E, I, O और U, ये हमारे होते हैं 5 वॉवल्स. फिर से एक बार देखेंगे A, E, I, O and U. These are 5 vowels in English alphabet. देखिए, alphabets 26 जो letter होते हैं A to Z, उन्हीं को हम alphabets बोलते हैं. और हमारे जो 26 alphabet होते हैं उनमें 5 हमारे क्या होते हैं, vowels, जो कि होते हैं A, E, I, O, U. इसके बाद जो रिमेनिंग लेटर्स होते हैं, बाकी के बचे हुए लेटर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट जो कि संख्या में होते हैं 21, ये हैं जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये हमारे रिमेनिंग लेटर्स, इन्हें कॉन्सोनेंट बोलते हैं. और वावल्स होते हैं हमारे A, E, I, O और U. सो स्टूडेंट्स, दीज आर 5 वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, A, E, I, O एंड U. तो बच्चों, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है. अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. देखिए, एक्सरसाइज है हमारी सर्कल द वावल्स. यहाँ पे फ्रूट्स का नेम लिखा है एप्पल, और एप्पल में हमारे ए और ई वॉवल हैं जिन्हें हमने सर्कल किया है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा है सर्कल द वॉवल्स. तो यहाँ पे हमारा इंजन, इंजन की स्पेलिंग लिखी है, इसमें ई, आई और ई वॉवल हैं जो कि हमने सर्कल किए हैं, बाकी के जो हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं. नेक्स्ट देखिए, B, O, K, बुक, इसमें बी और के कॉन्सोनेंट हैं और डबल ओ हमारा वॉवल है. अम्ब्रेला, U, M, B, R, E, L, A, अम्ब्रेला में हमारे यू, ई और ए वॉवल हैं, तो इनको हमने सर्कल किया है. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, सर्कल द कॉन्सोनेंट. बच्चों, ऊपर हमने सर्कल द वॉवल्स किया, वॉवल में हमने सर्कल किया था, यहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट में सर्कल करना है. तो यहाँ पे हम वॉवल्स को छोड़ देंगे, जो कि इसमें शॉप में ओ वॉवल है, ये हमने छोड़ दिया, और एस, एच, पी में हमने सर्कल किया है. काओ में ओ वॉवल है और सी और डब्ल्यू कॉन्सोनेंट हैं, इनको सर्कल की करेंगे. एच, ई, एन, हैन, इसमें ओ, इसमें एच और एन कॉन्सोनेंट हैं, ई हमारा वॉवल है, तो हमने कॉन्सोनेंट को सर्कल किया है. एस, यू, एन, सन में एस और एन कॉन्सोनेंट है, इनको सर्कल किया है, और यू हमारा वॉवल है. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वॉवल्स यूजिंग द हिंट्स. यहाँ पे हमें कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं, और हिंट्स के अकॉर्डिंग जो वर्ड लिखे हैं उन पे हमें सर्कल, हमें फिल करने हैं वॉवल्स.
नेम ऑफ अ फ्रूट, एक फ्रूट का नाम दिया गया है ऑरेंज, तो ऑरेंज की स्पेलिंग में ओ ए और ई हमारे वॉवल होते हैं जो कि हमने फिल किए हैं. नेम ऑफ अ वेजिटेबल, वेजिटेबल पोटैटो, पोटैटो में हमने ओ ए और ओ को फिल किया है. लोटस, एल ओ टी यू एस, लोटस, लोटस में हमने ओ और यू जो कि वॉवल हैं इनको फिल किया है. नेक्स्ट देखेंगे लॉयन, नेम ऑफ अ एनिमल. यहाँ पे हमें कुछ हिंट दिए गए, हिंट के अकॉर्डिंग हमें ये फिल करना है जो कि मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है. यहाँ पे एनिमल का नाम लिखा था एल और एन, उसमें हमने आई और ओ फिल किया है. यूजिंग इन बर्थडे, बर्थडे में क्या यूज़ होता है, केक, तो केक की स्पेलिंग हम यहाँ पे फिल करेंगे ए और ई जो कि हमने वावल फिल किए हैं. नेम ऑफ अ टॉय, टेडी बियर, टेडी बियर की स्पेलिंग में ई और ई ए ये वावल होते हैं, ये हमने फिल किए हैं. पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, आइज, आइज में हमारा ई और फिर से ई रिपीट है, तो ये हमारे वावल हैं जो कि मैंने ऑलरेडी फिल किए हुए हैं. आपको भी इसी तरह से एक्सरसाइज करनी है और इनका प्रैक्टिस करना है. तो बच्चों मुझे आशा है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस आगे भी देखते रहिए. बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.